पूजन हुआ है 1500 मेगावाट। सौर ऊर्जा मतलब सूरज से बिजली बनेगी, सूरज ऊर्जा का भंडार है। अब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हैं, बताओ ऊर्जा के बिना हमारा काम चल सकता है क्या? जोर से बताओ, चल सकता है क्या? और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो वो है सूरज। आज मैं अपने बहनों और भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि कोयले से भी बिजली बनती है, लेकिन जब कोयले से बिजली बनाते हैं तो उससे पर्यावरण बिगड़ता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। आप जानते हैं कि जब कोयले से हम बिजली बनाते हैं तो कार्बन गैसों का उत्सर्जन भी होता है, और उसके कारण धीरे धीरे पर्यावरण बिगड़ता चला जा रहा है। आज दुनिया के सामने संकट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि 2050 तक 2 डिग्री ये बढ़ जाएगा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र में पानी बढ़ रहा है, असमय बारिश हो रही है, कई तरह के संकट आ रहे हैं, और इसलिए बिजली तो चाहिए, लेकिन बिजली हमको ऐसी चाहिए जो पर्यावरण को भी बचाने में हमें सहायक हो। और इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम कोयले की बिजली नहीं बनाएंगे, अभी कोयले से बनाना हम जारी रखेंगे, लेकिन कोयले के साथ साथ अक्षय ऊर्जा के भंडार सूरज से हम अधिकतम बिजली बनाने की कोशिश करेंगे। जब सूर्य देवता से हम बिजली बनाते हैं तो पर्यावरण नहीं बिगड़ता, बिजली की बिजली मिलती है और पर्यावरण भी खराब नहीं होता। और बिजली भी जो हमें सूरज से मिलती है उसको अक्षय ऊर्जा कहते हैं। सोलर पैनल बिछा के उसके माध्यम से सूर्य ऊर्जा, सूरज की जो ऊर्जा है उससे हम बिजली बनाने का काम करते हैं। पहले बिजली बहुत महंगी आती थी, बिजली के रेट हुआ करते थे 15-16 रुपया प्रति यूनिट, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि कोयले की बिजली से भी सस्ती अगर कोई बिजली बनती है तो वो बिजली सूरज की बिजली बनती है, हमारे सूर्य देवता से बिजली बनती है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने अनेकों अभियान चलाए। नीमच में ओम प्रकाश जी बैठे, जब प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे, 135 मेगावाट, हरदीप जी 135 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का पीएम साहब से जब मुख्यमंत्री थे तब हमने लोकार्पण करवाया। हमने रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया, और आज मुझे कहते हो खुशी है आर के सिंह साहब कि दिल्ली की मेट्रो की बिजली हम मध्य प्रदेश से भिजवा रहे हैं। रीवा की बिजली दिल्ली की मेट्रो चला रही है, एक नहीं अनेकों सोलर पावर प्लांट हमने लगाए। और मुझे बताते हो खुशी है, यहाँ पहले सूरज से 500 मेगावाट बिजली 2012 तक हम बनाते थे, आज हम 500 मेगावाट के बजाय 5300 मेगावाट से ज्यादा बिजली सूरज से बना रहे हैं। और आगे भी अब हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजली सूरज से बनाएं। और इसलिए ये तीनों हमारे जो सोलर पावर प्लांट है, साजापुर का, आगर का, नीमच का, ये 500-500 मेगावाट के होंगे। लेकिन हम केवल धरती से, धरती पे प्लेटें सोलर पैनल बना के बिजली नहीं बना रहे। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि हमने तय किया है कि अपने ओमकारेश्वर बांध में, क्योंकि ओमकारेश्वर बांध का पानी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, स्थिर रहता है, थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा होता है, क्योंकि हम उसको नियंत्रित करके रखने की क्षमता हम में है। और इसलिए अब पानी पे सोलर पैनल बिछा के, ओमकारेश्वर बांध के पानी पे सोलर पैनल बिछा के और सोलर से हम बिजली बनाएंगे, जमीन भी नहीं जाएगी और पानी भाप बन के भी नहीं उड़ेगा। हम पानी भी बचाएंगे, हम जमीन भी बचाएंगे और हम बिजली भी बना के दिखाएंगे, उसकी कार्रवाई भी। बताओ अच्छा है कि नहीं है?
अरे अच्छा है, तो अब पानी पे बिजली बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी हमारी तेजी से जारी है। अब एक समस्या और आती है, किसान मांग करते हैं कि हमको रात में नहीं दिन में ही बिजली दो। अब बड़ी दिक्कत, मैं जानता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि बिजली का सिस्टम हमारा ऐसा है कि सबको दिन में सबको रात में नहीं दे सकते, इसलिए 24 घंटे सिस्टम को चलाना पड़ता है। बिजली ऐसी चीज है जो स्टोर करके नहीं रखी जा सकती, लेकिन अब छतरपुर में जो हम सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं, एक नई तकनीकी आई है कि बिजली को हम स्टोर करके भी, जैसे पानी भर के धर लिया और जरूरत पड़ी तो नल खोल दिया तो पानी आ गया, अब ऐसे हम बिजली भर के धर लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो रात में बना के दिन में नल जैसी खोल के, नल मतलब मैं केवल नल की बात नहीं कर रहा, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, वो भी देने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज तो ये स्थिति नहीं है, धीरे धीरे हम बिजली के स्टोर की क्षमता भी बढ़ा के टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस दिशा में भी काम करेंगे। हमारा छतरपुर, हमारा मुरैना, अभी अनेकों स्थानों पर हम सोलर पावर प्लांट लगाने वाले, क्योंकि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी जो दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने में, उनने भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता विकसित करने, पंचामृत का एक अमृत उन्होंने दिया है। 2030 तक भारत नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 50% ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करेगा, मतलब कोयले और बाकी माध्यमों से आधी बनेगी, आधी हम बनाएंगे नवकरणीय ऊर्जा से। और आज अपने प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, पंचामृत दुनिया को दिया है, आर के सिंह साहब, मैं अपनी इस टीम के भरोसे आपको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश अपनी 50% बिजली की आवश्यकता की पूर्ति सोलर एनर्जी के माध्यम से करेगा, नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से करेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2030 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें 1 बिलियन टन की कटौती करेगा, उस लक्ष्य को उसी अनुपात में मध्य प्रदेश पूरा करने का बात पूरा करने का संकल्प को पूरा करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था के कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी लाएगा, मध्य प्रदेश अपने दायित्व को निभाएगा। और 2070 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को भारत प्राप्त कर लेगा, उसके पहले मध्य प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। तो ये बिजली सूरज से बनती है, उसके अनेकों फायदा है, और आर के सिंह साहब आपको बता रहे थे हर गांव, हर शहर, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम, बिजली की कमी ना रहे इसका भी हमने प्रबंध करने का काम किया है। लेकिन एक निवेदन आज मैं करना चाहता हूँ, कर लूँ क्या बताओ? अरे बोलो, कर लूँ क्या? आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। देखो भैया, किसान भाई भी और मेरे गरीब भाई भी और मेरे बेटा बेटी भी, अभी जो बिजली हम आपको देते हैं वो बिजली हम सस्ती देते हैं, और आज आपको कहना चाहता हूँ 21,000 करोड़ रुपया बिजली की सब्सिडी पर मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से खर्चा करती है, मतलब हम अपने खजाने से 21,000 करोड़। ये दो ही मंत्री बैठे हैं हमारे, उधर प्रद्युम्न तोमर बैठे, इधर हरदीप डंग बैठे, 21,000 करोड़ रुपया ले रहे हो भैया, ले रहे हो मतलब तुम नहीं ले रहे हो, लेकिन कोयला खरीदना, तनख्वाह बांटना, बाकी इंतजाम करना, इसमें इतना खर्चा करते हैं तब बिजली आपको सस्ती दे पाते हैं। 100 रुपया में बिजली गरीबों को बताओ कहीं बनती क्या 100 रुपया में? लेकिन उसमें भी कई बार वो 100 रुपया भी नहीं आते हैं। आप बताओ जो तय है वो मिलना चाहिए कि नहीं सरकार को? अरे जोर से बता, मिलना चाहिए कि नहीं? अब 21,000 करोड़ की सब्सिडी, तो भैया जितना बिल है जायज वो तो दें, लेकिन आज एक प्रार्थना कर रहा हूं, और बच्चे मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं उसके एम्बेसडर बनेंगे, राजदूत बनेंगे। देखो भैया, बहुत सी बिजली ऐसी है जो हम फालतू जलाते हैं, घर में जरूरत है 1 बल्ब की, पता चला ट्यूबलाइट भी जल रही है,
बल्ब भी जल रहा है, हीटर पर चाय भी बन रही है, अनावश्यक रूप से बिजली जलती है, अनावश्यक रूप से। और जब वो अनावश्यक रूप से बिजली जलती है तो हमें क्या लगता है कि अपना क्या जाता है यार, वो तो सरकार की बिजली है, अपना क्या जाता है। आज मैं बता रहा हूं कि आपका ही जाता है। ये जो 21,000 करोड़ रुपया जाता है, ये कोई की जेब से नहीं जाता, ये आपके खून पसीने की कमाई का पैसा। मेरे बहनों और भाइयों, ये 21,000 करोड़ आपका ही तो है। तो फालतू बिजली में जो बिजली खर्चा होती है उसमें सरकार को तो सब्सिडी में पैसा देना पड़ता है, बिजली का खर्चा निकालना पड़ता है। और इसलिए अगर फालतू पैसा जाता है तो कौन का जाता है? अरे कौन का जाता है, सब बताओ कौन का जाता है? तो अपना पैसा फालतू जाना चाहिए क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, फालतू जाना चाहिए क्या? और इसलिए आज मामा आपसे हाथ जोड़ के ये अपील कर रहा है कि जितनी जरूरी है उतनी बिजली जलाओ, लेकिन फालतू बिजली ना जले इसका इंतजाम करो। मैंने आदत बनाई है, मैं अपने से मैंने शुरू किया है, सीएम हाउस में मैंने अपने मंत्रियों को भी कहा था कि आप लोग भी घरों में कटौती करो, सीएम हाउस में एक भी बल्ब अंदर में फालतू नहीं जलने देता, और बुझाने के लिए दूसरे से नहीं कहता, मैं खुद बिजली का बल्ब बुझाता हूँ, खुद खटका दबाता हूँ, खुद करता हूँ। मैं जब योगा प्राणायाम करता हूँ कमरे में तो कोई बल्ब क्यों जलना चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। नहाते हैं बाथरूम में, उजाला है, जबरन हम बिजली काहे के लिए जलाएं? अगर थोड़ी थोड़ी भी बिजली बचाएं तो 21,000 करोड़ रुपया में से हम 10-11 हजार करोड़ रुपया, 5-7 हजार करोड़ रुपया बचा सकते हैं। और इसलिए आज के कार्यक्रम में ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू कर रहे हैं, मतलब हम फालतू बिजली नहीं जलाएंगे, हम बिजली बचाने का काम करेंगे। अगर हमने बिजली बनाई बचाई तो जरूरतमंद किसान को और ज्यादा बिजली दे पाएंगे, फालतू बिजली नहीं जलेगी। और किसान भाई भी तय करे कि कुएं की मोटर हो चाहे ट्यूबवेल का पंप हो, जितना जरूरी वो तो चलेगा, लेकिन उसके अलावा फालतू बिजली नहीं जलेगी। इससे अपने देश को फायदा होगा, इससे अपनी जनता को फायदा होगा, इससे अपने मध्य प्रदेश को फायदा होगा। और एलईडी बल्ब जैसी जो व्यवस्थाएं, प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया कि ज्यादा खपत वाला लाइट हम काहे को चलाएं, एलईडी बल्ब जैसी अगर हम व्यवस्था करते हैं तो बिजली और ज्यादा बचती है। इसलिए ऊर्जा साक्षरता का मतलब है बिजली बचाएंगे, फालतू बिजली नहीं जलाएंगे। तो बताओ आप अपने घरों में बिजली बचाएंगे? जोर से बिजली बचाएंगे? हम बिजली बचाएंगे, फालतू काहे को जलाएं, जितनी जरूरी उतनी जरूर जलाएं। ये हमारा ऊर्जा साक्षरता अभियान है, मैं खुद भी बिजली बचाऊंगा मुख्यमंत्री के नाते अपने घर में, और आप सबसे भी अपील करता हूं कि बिजली बचाएं। और बिजली बचाने का संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ भारत माता की जय बोले, बोलिए भारत माता की। आर के सिंह साहब, हम बिजली बचाएंगे भी, बिजली बनाएंगे भी ताकि जरूरतमंद को मिल सके, और सोलर की बिजली बनाएंगे। आपके आगमन पर हमने यह संकल्प लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार एक नहीं अनेकों सौगातें दे रही है। कल प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट ने फैसला किया कि गरीबों को नवंबर तक फ्री में राशन था, अब वो नवंबर तक नहीं, बढ़ के चला गया है मार्च 2022 तक। ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। देखो रे भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपनी सरकार ने मध्य प्रदेश में 1 रुपया किलो गेहूं चावल देना शुरू किया। आप बताओ कभी कांग्रेस ने खिलाया था 1 रुपया किलो गेहूं? अरे जोर से ही बताओ, खिलाया था क्या? वो 1 रुपया किलो गेहूं चावल अलग, वो अलग मिलेगा, और ये 5 किलो प्रधानमंत्री जी का मार्च से अलग मिलेगा। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई,
दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये हमारा संकल्प है। रोटी सबको मिले इसलिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, इसलिए प्रधानमंत्री जी निशुल्क राशन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई की थाली खाली नहीं रहेगी, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। कई नाम नहीं थे जो गरीब थे, लेकिन कहीं कोई कोई के नाम छूट गए थे, तो हमने तय किया 37 लाख गरीबों के नाम जोड़ के उनकी पात्रता पर्ची बनाई, ताकि उनको भी सस्ता अनाज मिल सके, खाने की कोई कमी ना हो। ये रोटी हो गई सस्ता अनाज। और दूसरी बात मकान की, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, जो कच्चे घरों वाले हैं उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। हम लगातार बना रहे, बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक समस्या और आई, और वो समस्या थी, मुझे कई लोगों ने कहा कि मामा हमारे पास तो रहने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा रह कहाँ रहे हो? अरे बोले एक ही घर में, बाप के चार बेटा हो गए, तो चार बेटा उनकी शादी हो गई तो उनकी पत्नियां, फिर उनके बच्चे हो गए, एक एक घर में 25-25 30-30 आदमी रह रहे हैं, बताओ कैसे रहें। और इसलिए हमने क्रांतिकारी योजना बनाई, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और उसमें हमने तय किया कि एक घर में अगर एक से ज्यादा परिवार रह रहा हो, एक से ज्यादा का मतलब, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर एक परिवार से ज्यादा रह रहे हो और घर छोटा सा हो, तो आप चिंता मत करना, ऐसे गरीबों को पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? जोर से बनाना चाहिए कि नहीं? यहां कलेक्टर को भी मैं निर्देश दे रहा हूं, इस पर तेजी से जगह चिन्हित करें। हम सरकारी जमीन देंगे, गरीबों को रहने की जगह उपलब्ध कराएंगे, और अगर कहीं सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो मामा खरीद के भी जमीन देगा, चिंता मत करना, रहने की जमीन के बिना कोई नहीं रहेगा। पहले रहने की जमीन का प्रबंध, उसके बाद उस पर मकान बनाने का इंतजाम, यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरे भांजे भांजियों, तुम चिंता मत करना, अब मामा फिर से आ गया है। मैंने कई योजना बनाई थी, बीच में 15 महीना हमें बंद हो गई, हमारी कई योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। अब मैं तुमसे कहने आया हूं, किसी भी वर्ग के बेटा बेटी हो, वो सामान्य वर्ग के हों, वो पिछड़े वर्ग के हों, अनुसूचित जाति जनजाति के हों, अगर वो निर्धन है, गरीब परिवारों से आते हैं, मध्यम वर्गीय या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो आप चिंता मत करना, तुम में प्रतिभा है, क्षमता है और योग्यता है, तो तुम्हारे अगर एडमिशन नीट के माध्यम से या जेई मेंस के माध्यम से या अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 8 लाख रुपया साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की होती है, तो वो फीस बताओ बच्चे भर सकते हैं क्या? अरे गरीब बच्चे भर सकते हैं क्या? तो वो फीस कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ कौन भरवाएगा? तो मामा भरवाएगा। लेकिन बच्चन एक दो बोले ठीक से पढ़ोगे? पढ़ने में बोले नहीं रहे, अरे पढ़ोगे? चिंता मत करो, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। एक पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दवाई का इंतजाम भी। कोरोना में जो महासंकट हमने झेला है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी परेशानी हुई है, और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जो योजना बनी आयुष्मान भारत, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना में सबको कार्ड बना के दे रहे हैं। यहाँ कितने कार्ड बने कलेक्टर बताएं आयुष्मान भारत योजना में? 3.25 लाख कोई रह तो नहीं गए? देखो भाई रह गए हैं तो सबके कार्ड बनना है, आयुष्मान कार्ड सबके बनना है। यह हमारे जनप्रतिनिधि इंदर जी और प्रभारी मंत्री सांसद जी, चाहे वो हमारे महन जी हो, रोडमल जी हो, भैया ढूंढ ढूंढ के बना रहे, अपनी सरकार है, कोई पात्र शेष ना रह जाए,
और इसका फायदा ये होगा कि पांच भगवान ना करे किसका लाभ लेने की नौबत आए, लेकिन 5 लाख रुपए तक का इलाज अगर हम बीमार हो गए तो प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में करवाया जाएगा, ताकि गरीब और सामान्य मध्यम वर्गीय भाई बहन परेशान ना हो, ताकि इलाज की बेहतर व्यवस्था हो जाए। यहाँ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या? आजीविका मिशन वाली बहनें आई हैं क्या? अगर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आजीविका मिशन समूह की बहनें हो तो हाथ उठाओ, पीछे हैं। सुनो भैया, एक सवाल है रोजगार का। तो मेरे बेटा बेटियों, एक तो सरकारी भर्ती में जो प्रतिबंध था वो प्रतिबंध भी हटा लिया गया है, 1 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर बच्चों को दी जाएगी, वो शासकीय नौकरियां हैं, उसकी प्रक्रिया चालू कर दी है। लेकिन सरकारी नौकरियों से पूरा नहीं पड़ेगा, और इसलिए सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट में भी रोजगार के अवसर। अभी सिंह साहब पूछ रहे थे आईटीआई के बारे में, हमने आईटीआई का जाल बिछाया है, बच्चों के हाथ में कौशल लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अनेकों योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, मुद्रा योजना है, स्ट्रीट वेंडर योजना है, लेकिन इनके साथ साथ एक योजना और हमने बनाई, मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना। इस योजना में 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, हम लेंगे बेटा बेटियों। और उस लोन में जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उस ब्याज में भी 3% ब्याज मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। यह योजना इसलिए बनाई कि बच्चों के पास स्वरोजगार के विकल्प मौजूद रहें, ताकि वो अपना काम धंधा, छोटा मोटा उद्योग खुद प्रारंभ कर सके, नौकरी मांगने वाला नहीं वो नौकरी देने वाला बन जाए। इस माध्यम से अपने काम धंधे भी शुरू करो, उसके साथ साथ बड़े उद्योग भी आए, एमएसएमई मतलब छोटे छोटे उद्योग भी आए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और जो छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, चाय का ठेला वाले, पान की गुमटी वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये स्ट्रीट वेंडर हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना कस्बों के लिए। अभी तक कितने स्ट्रीट वेंडर को दिया हमने? शहर में 2500 को दे दिया।